सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 10 मई को जिन लोगों का भी आरआरपी एएलपी का साइको रखा गया था दोस्तों, उनमें से कुछ लोगों का साइको का एग्ज़ाम जो 10 मई को होने वाला था फनी तूफान के कारण रद्द कर दिया गया था दोस्तों, और उनके जो नई डेट आई थी दोस्तों वो 21 मई दी गई थी। तो 21 मई को उन सभी लोगों का साइको एग्ज़ाम होगा जिनका कि फनी तूफान के कारण एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया था। उनमें से कुछ सिटी थी भुवनेश्वर के ज्यूरिडिक्शन में आने वाली और कुछ आरआरबी कोलकाता के ज्यूरिडिक्शन में आने वाली सिटी थी, उनका ही एग्ज़ाम रद्द किया गया था, बाकी किसी का एग्ज़ाम रद्द नहीं किया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पर 10 मई को एग्ज़ाम होता है, कई शिफ्ट में, कई जगह में, कई जोन में ऐसा हुआ है कि बैटरी टेस्ट 4 और बैटरी टेस्ट 5 में कुछ गलतियाँ पाई गई थी, यानी कि इमेज ढंग से नहीं दिखाई दे रही थी, क्वेश्चन धीरे धीरे शो हो रहे थे, या फिर जो टाइम है दोस्तों कम आ रहा था, यानी कि क्वेश्चन आराम आराम से शो हो रहे थे और टाइम पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह की बहुत सारी गलतियां पाई गई दोस्तों। तो उसके रिगार्डिंग अब किन लोगों का एग्जाम दोबारा से लिया जाएगा उसका निर्णय करना है, तो आज 17 तारीख को 12 बजे तक ये इस जो आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते थे वो रखा गया था, मगर कई लोग फेक भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे दोस्तों। तो अब किन लोगों का एग्जाम होगा 21 मई को, वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। मान लीजिए अगर किसी बच्चे की गलती पाई गई तो उसने तुरंत अपने जो भी इन्विजिलेटर है या जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं उनको बताया होगा। अब हर सेंटर पर, यानी कि हर जोन में कुछ ना कुछ जो आरआरबी के ऑफिसर है उनको लगाया गया था ड्यूटी, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसको फेस कर सकें, यानी कि देख सकें। तो अगर उन लोगों के पास ये बात पहुंचेगी तो उन लोगों ने जरूर उससे रिलेटेड आरआरबी जोन को इंडिकेट किया होगा कि इस जोन में, इस शिफ्ट में एग्जाम में गड़बड़ी पाई गई है, क्योंकि जब दोस्तों 10 मई को एग्जाम हुआ था तो शाम को 11 मई को ही कुछ सेंटर की लिस्ट तुरंत आ गई थी कि यहाँ पर गड़बड़ी पाई गई है। तो वो सिर्फ तभी आई थी जब आरआरबी के जो ऑफिसर है उन्होंने बताया था। अब मान लीजिए अगर किसी शिफ्ट में किसी सिर्फ पर्टिकुलर बच्चे के कंप्यूटर या सिस्टम में गलती पाई गई है तो दोस्तों यहाँ पर सभी बच्चों का अब एग्जाम दोबारा करवाया जाएगा उस शिफ्ट के, या फिर सिर्फ पर्टिकुलर बच्चे का कराया जाएगा। क्योंकि अगर शिफ्ट के सभी बच्चों का एग्जाम कराया जाता है तो आप ये मान लीजिए कि उन सभी बच्चों का तो 10 मई को एग्जाम दिया गया था वो रद्द माना जाएगा, उनका दोबारा से एग्जाम कराया जाएगा। यहाँ पर एग्जाम में कुछ भी बात करते हैं दोस्तों कि जिन लोगों ने अगर ट्रू रिप्रेजेंटेशन करा था उनकी गलती है तो उन सभी का एग्जाम दोबारा लिया जाएगा और उनका 10 मई का एग्जाम रद्द माना जाएगा। अब जिन्होंने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कराया तो उनके साथ क्या होगा दोस्तों, तो उनके साथ अगर कैंडिडेटशिप रद्द कर दी गई है तो ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी, क्या कि हो सकता है कि आरआरबी डरा रही हो आप लोगों को, क्योंकि कई लोग फेक रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिसकी वजह से दोस्तों स्क्रूटनी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आई होप आप लोगों का कैंडिडेटशिप रद्द ना हो, और आप लोग फिर भी अगर आप लोग फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ना करें। अब बात यह आती है दोस्तों कि अब जो दोबारा नया एग्जाम होगा आपका साइको का, तो उसमें कौन कौन से बैटरी टेस्ट आएंगे, या फिर जो बैटरी टेस्ट जो भी 10 मई को एग्जाम होता है सेम टू सेम वैसे आएगा, जैसे कि ब्रेक टेस्ट और यस नो वाले क्वेश्चन आए थे, नए फिगर टेस्ट आया था, तो क्या वही सारे क्वेश्चन आएंगे? तो ऐसा जरूरी नहीं है दोस्त, आपका पैटर्न बदल भी सकता है, टाइम वही 70 मिनट रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, 5 बैटरी टेस्ट आएंगे, मगर हो सकता है कि आपके जो बैटरी टेस्ट के क्वेश्चन आए थे उनको बदल दें, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो दोस्तों अभी डिसाइड नहीं है, फाइनल नहीं है। अब आपका जो एडमिट कार्ड आया है दोस्तों, तो जिन भी लोगों को एग्जाम रीशेड्यूल होगा उन लोगों को दोस्तों आपको ईमेल आईडी पे, मोबाइल नंबर पे इंटीमेट कर दिया गया होगा और अलग से लिंक प्रोवाइड किया है, या जो भी लिंक प्रोवाइड करेंगे वो आपको ईमेल आईडी पे, मोबाइल नंबर पे दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जो भी एसएमएस आए उसको पल पल पे चेक करते रहें। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट, जिन लोगों को मौका मिलना था दोस्तों उन लोगों को मौका जरूर मिलेगा, ठीक है। अब कई लोग ये भी करें कि जो हमारा ब्रिक टेस्ट में गलतियाँ पाई गई थी, यानी कि ब्रिक टेस्ट में हमारा ऑप्शन ऊपर नहीं चाहते, तो उसको लेकर भी कई लोग शिकायत कर रहे थे दोस्तों, इस तरह की शिकायत का कोई भी निवारण नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका आपको स्वयं ध्यान रखना चाहिए था। आप निर्देश पढ़ रहे थे तो आपको निर्देश पढ़ना चाहिए था, 5-5 मिनट के निर्देश आए थे, इंस्ट्रक्शन आए थे, मगर कई लोग ऐसे कि जिन्होंने भाई हवा में हाँ मेरा तो ठीक हो जाएगा, कि मैंने तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट आराम से वेट करते रहते थे, तो वहाँ आपने गलती करी, आपको पहला क्वेश्चन ही ध्यान देना चाहिए था। तो अब वो गलती आरआरबी की नहीं है, वो गलती आपकी है, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी समस्या हल नहीं की जाएगी, और अगर आपने रिप्रेजेंटेशन किया है तो आपके खिलाफ रेलवे सख्त कार्रवाई कर सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि ब्रेक टेस्ट में कोई भी गलती सुधारी नहीं जाएगी, क्योंकि कोई गलती हुई नहीं है। तो जिन जिन लोगों का एडमिट कार्ड आना है या आ चुका है या आएगा, तो उनको ईमेल और मैसेज पे बता दिया जाएगा। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सभी लोग अपना, आप जब भी एग्जाम आज आपका एडमिट कार्ड आ जाए दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, या हमारी जो ईमेल आईडी है उस पे जरूर बता दें। सो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ही चैनल है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।